दोस्तों इंडियन इलेक्ट्रिक मार्केट में एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। अगर चार्जिंग की बात करता हूँ ना, तो इसकी टक्कर की चार्जिंग मतलब फास्ट चार्जिंग दी गई है। जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई इसकी चार्जिंग में टक्कर नहीं लेने वाला। बात करता हूँ अगर इसके डिजाइनिंग की, तो किलर डिजाइन नाम दिया है मैंने इसको, क्योंकि जितने भी मार्केट में अभी तक इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल हैं, सबसे कंपैरिजन करके बताइएगा कि ये डिजाइन आपको कैसा लगा। सीरियसली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ना थोड़ा सा बड़ा रखा गया है साइज में, जिसके कारण ये आपको थोड़ा सा हैवी इलेक्ट्रिक स्कूटर नजर आने वाला है। मतलब वो पतले पतले स्कूटर होते हैं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं आखिर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मार्केट में कब तक लॉन्च किया जा सकता है, और ऐसी कौन सी और फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशन है, रेंज है, प्राइस है, ऐसा क्या आने वाला है, और ज्यादा हमें एक्साइटमेंट में डाले, तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है, डोंट वरी। तो मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं इसके टेक फायर। दोस्तों शुरू करने से पहले इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर मैं टॉप स्पीड की बात करता हूँ ना, जो पिकअप है 5 सेकंड में दोस्तों ये 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को कवर कर लेती है बहुत इजीली। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के सबसे खास फीचर्स अगर मैं मिलने वाले बताऊं, तो वो है इसकी मोटर पावर होने वाली है। मतलब जो इसके अंदर मोटर आपको मिलने वाली है ना, अल्टीमेट पावरफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको ना 12,000 वॉट की BLDC टेक्निक पर बेस्ड इलेक्ट्रिक मोटर को कनेक्ट किया गया है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर। बहुत फास्ट है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सीरियसली। और दोस्तों इसी पावर से ना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की पावर क्या लिमिट पे रहने वाली है, और आगे जो और फीचर्स आने वाले हैं अल्टीमेट आने वाले हैं। वैसे तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS की तरफ से लॉन्च होने वाली है, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम रहने वाला है TVS क्रियोन। जिसकी लॉन्चिंग की बात करता हूँ तो लगभग मतलब पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ टेस्टिंग वगैरह चल रही थी, अपडेट के थ्रू सामने आया था कि वो भी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब अब आपको ना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ना ये इंडियन इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर अवेलेबल हो, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ। तो गाइस एक नज़र रेंज के ऊपर भी डालते हैं। हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ 80 किलोमीटर की रेंज मिलती है, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी बैटरी पैकअप है। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि थोड़ी सी रेंज कम है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी 80 किलोमीटर रेंज कम नहीं लगती। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। हम इस रेंज को ना प्राइस के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे आगे कि कैसी रेंज है। अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो मिलने वाली बैटरी अगर हम उसकी बात करते हैं, तो आपको इसमें 40 AH यानी कि लिथियम आयन बैटरी कैपेसिटी वाला बैटरी पैक मिलता है। और गाइस यही नहीं रुकते इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ना ऐसे फीचर्स दिए गए हैं दोस्तों जो आपको बहुत अल्टीमेट वाला मतलब फील कराने वाले हैं, जिसमें आपको नॉर्मल फीचर्स के अलावा कई एडवांस फीचर्स भी मिलने वाले हैं, जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाकी जो जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में मैं बात करूं तो उन सबसे अलग इसको बनाते हैं। अगर वही बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की चार्जिंग की बात ना, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 1 घंटे में 80% चार्ज हो जाता है। बहुत फास्ट चार्ज होने वाला, जो अब तक सबसे फास्ट चार्जिंग वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर बताई जा रही है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके लॉन्चिंग के बारे में, कब तक लॉन्च हो सकती है इंडियन इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर, और इसका क्या प्राइस रहने वाला है। यार मेन तो यही बात आती है, सारी फीचर्स तो सब अच्छे ही हैं। लॉन्चिंग डेट की बात करते हैं तो बहुत जल्दी इंडियन इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इसकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब जो टेस्टिंग वगैरह थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है। तो बताया जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 2023 के लास्ट तक, मतलब नवंबर या दिसंबर के आसपास तक लॉन्च किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं आखिर इसका प्राइस क्या रहने वाला है, क्या हमारे बजट में आएगी या नहीं आएगी। यार तो एक अनुमान लगाया गया, मतलब कोई भी कंफर्म प्राइस नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इसका प्राइस 1,35,000 रुपये एक्स शोरूम हो सकता है। मतलब इससे थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, ये कंफर्म प्राइस नहीं है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये प्राइस हो सकता है इस फीचर्स इस डिज़ाइन के साथ, क्या TVS इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च कर सकती है, या बढ़ाएगी ये प्राइस या घटाएगी। तो थोड़ा सा काम देता हूँ यार, कर दिया करो कमेंट बॉक्स में कि कैसा रहने वाला है इसका सब कुछ। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में पता नहीं क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर करना है सब में। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखना, खुदा हाफिज़।